जी पुरानी पिंडी में मौजूद हैं और जहाँ पे हमारी जो टीम है वो भी मौजूद है और उन्होंने इस घर पे अपना इलेक्शन कमीशन साहब जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या नवी लिस्टा बन रही हैं। उस तो बाद डोर टू डोर अमल है, शफाफ तरीके से इलेक्शन हो गए और शफाफ तरीके से आवाम की मर्जी का एक हुक्मरान उन पर होगा जो मुल्क बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बीबीसी प्राग, खबर शामिल करेंगे मंडीबा हाउदीन से। मंडीबा हाउदीन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टों की जांच पड़ताल के सिलसिला में डोर टू डोर मुहिम जारी, मुहिम एक माह तक जारी रहेगी। मंडीबा हाउदीन में इलेक्शन कमीशन की टीमें घर घर जाकर वोटों की तस्दीक अंदराज और मुंतकली के अमल में हिस्सा ले रही हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन यासर हमीद ने फील्ड में मौजूद टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वोटों की जाँच पड़ताल के अमल का जायजा लिया। मेरा नाम जी यासिर हमीद है और मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मंडी बाउद्दीन हूँ। तो हमारा इंतखाबी फहरिस्तों का काम जो कि 7 नवंबर से शुरू हो चुका है और 6 दिसंबर तक जारी रहेगा, इस सिलसिले में हमारी टीमें डोर टू डोर आपके पास विज़िट कर रही हैं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग इसमें भरपूर तआवुन करें और जिन लोगों ने अपना वोट अभी तक इंदराज नहीं करवाया वो उसमें इंदराज करवाएँ और जो लोग CNSE के मुताबिक अपना वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो उसमें करवाएं और हमारी टीमों के साथ भरपूर तआवुन करें। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। या उन्होंने बताया कि एक माह तक जारी रहने वाली मुहिम के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी जा रही हैं जिन्हें खसूसी तौर पर ट्रेनिंग दी गई है जो घर घर जाकर वोट का अंदराज और अखराज करेंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की टीमों को नक्शे और मुकम्मल तफसील भी फराहम की गई है ताकि तमाम शनाख्ती कार्ड के पता के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त जगह पर हों ताकि आइंदा इंतखाबात के लिए शफाफ तरीन फहरिस्त मुरतब की जा सके। अगर हमें वोटर्स का इंदराज रजिस्टर में नहीं मिलता तो उस वक्त हम 8300 जो कोड है उस पर हम शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं जिसकी वजह से हमें उसका मौजूदा ब्लैक कोड का पता चल जाता है। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी के हमें फ़ायदा मंद है। हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे वोटर डिस्ट वोटिंग करने को शुमार करने वाले लोगों को मसाइल हैं वो ये हैं कि अक्सर लोग तआवुन नहीं करते, कहीं कहीं जगह पे हमें बहुत ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, अपने हवाले शनाख्त देने के बावजूद जो है लोग तआवुन नहीं करते। अगर लोग तआवुन करें तो बिलाशुबा ये एक बेहतरीन अमल है, शफाफ तरीके से इलेक्शन हो गए और शफाफ तरीके से आवाम की मर्ज़ी का एक हुक्मरान उन पर होगा जो मुल्क बेहतर तरीके से चला सके। शुक्रिया। ये इलेक्शन कमीशन साहब जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या नवी लिस्टा बन रही हैं। उस तो बाद डोर टू डोर ये आ रहे हैं, आके असी फार्म दे के ते सारे पुर करके ते दे रहे हैं ते बहुत ही अच्छा है, ते नई लिस्टा तैयार हो जान दियाँ ते बहुत अच्छा काम है। अब तक के लिए इतना ही, खबर और अपडेट्स के लिए देख रहे हैं PNC24।